पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पीडब्ल्यूडी के खुले नाले में गिरने से हुई मौत का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इलाके के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा सांसद पीड़ित परिवार से मिलने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस हादसे के बहाने दिल्ली सरकार पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जिस तरह के ये नाले हैं, इन सबको ढका जाना चाहिए ताकि आगे कोई और हादसा ऐसा ना हो, हमारे बीच से कोई और आदमी ना चला जाए। इसलिए हमारी ये मांग है और पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर हैं यहाँ पर, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिनकी यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। और मैं तो कहता हूँ कि जो केजरीवाल सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, बल्कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तमाम नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। दरअसल कारोबारी की मौत जिस नाले में गिरकर हुई थी, वो पीडब्ल्यूडी का नाला है और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। यहाँ पर एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए वो आते थे। आप पीडब्ल्यूडी के नाले कैमरे से आप शूट करना, मैं जब राउंड लिया था तब भी पीडब्ल्यूडी वालों को बोला था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खुले नाले इस तरह से किसी की भी डेथ हो सकती है। दूसरा, इन सरकारों को कई बार हमने कहा कि खुले नाले इसके बरसात के पहले ही ये ठीक हो जाना चाहिए। मैं बार बार इसलिए संसद में उठा रहा हूँ, दिल्ली इतने गंभीर मोड़ पर है इस वक्त। पुलिस जांच के बाद ही अब ये साफ हो पाएगा कि हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। दिल्ली से आरती पांडे के साथ सुरेंद्र सिंह, नवोदय टाइम्स।